हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल आर्या टेक गुरुजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की अपडेट में एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि लगभग लगभग सभी को आ रही है कि कैमरा ऑटोमेटिक जूमिंग मोड पे चले जा रहा है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद कोई पिक्चर नहीं ले पा रहे हैं आप, तो डिसेबल कैसे होगा उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो प्रॉब्लम क्या आ रही है। यहाँ पे हम इसको जूम तो कर पा रहे हैं पर डिसेबल नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे, ऐप्स, ऐप्स में आप नीचे आइए, अब जाइए व्हाट्सएप, उसके बाद आप दोस्तों व्हाट्सएप में यहाँ पे आ रहा है स्टोरेज, स्टोरेज को क्लिक कर दीजिए। स्टोरेज को क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में नीचे क्लियर डेटा, क्लियर डेटा ओके कर दीजिए। क्लियर डेटा ओके हो गया। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, उसके बाद जाना होगा आपको प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में ऑलरेडी हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्ले स्टोर में टाइप करेंगे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप यहाँ से ओपन करेंगे और इसको आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल हो गया है, फिर यहाँ से इसको आप दोबारा से इंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ से इसको ओपन करेंगे, एग्री टू कंटिन्यू। यहाँ पे जिस नंबर पे आपने एक्टिवेट करना है वो नंबर डालिए, ओके कर दीजिए, ओके। यहाँ पे जो एक्टिवेट ऑटोमेटिक मैसेज आ गया है, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अलाउ अलाउ कर दीजिए यहाँ से। इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल आ जाती है। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। कैमरा ओपन, ये हमारी प्रॉब्लम देखिए सॉल्व यहाँ पे हो चुकी है। बैक आ जाइए दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।